आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के मिंज स्टेडियम में स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय स्वदेशी प्रदर्शनी का जिलाधिकारी मकसूद आलम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सदर एसडीएम के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मिंज स्टेडियम में स्वदेशी सामानों का लगे स्टॉल का निरीक्षण करते हुए आंवले से बने मुरब्बे का स्वाद चखा। आपको बताते चले कि मिंज स्टेडियम में खादी सह स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए जिला पदाधिकारी ने बताया कि खादी प्रदर्शनी 17 फरवरी तक चलेगा। जो गाँव देहात में स्थानीय उत्पाद होते हैं यहाँ पर लाकर प्रदर्शनी किया जाएगा और उसे सामान्य दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। खादी प्रदर्शनी में स्थानीय उद्यमियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और स्वदेशी बाजार को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। जिला पदाधिकारी ने उनके प्रयासों की सराहना की और सभी को स्वदेशी उत्पादों की प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में स्थानीय समुदाय को एक साथ लाने में सफलता हासिल की और लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को पुनः जागृत किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में देहरादून, कश्मीर तथा लुधियाना शहर के व्यवसायी आए हैं अपना व्यापार करने के लिए। साथ ही मेला सचिव दुर्गेश मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी सदर एसडीएम को अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी स्टॉल पर पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत की, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया। मेला सचिव ने कहा कि यहां 20 से 22 राज्यों के दुकानदार बुनकर आए हुए हैं और अपना स्टॉल लगाते हुए हैं। खादी की बढ़ावा इतना तेज है कि खादी घर घर तक पहुंच जाए। लोगों की सोच होती है कि खादी काफी महंगी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ 30% डिस्काउंट पर बेची जा रही है। यहाँ कपड़ा, खाने पीने के अलावा बेहतर फर्नीचर की दुकान लगाई गई है। जो 17 फरवरी तक चलेगा, यहाँ पे गांव देहात में जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसको लाके यहाँ पर प्रदर्शनी दिया गया और रियायती दर पे यहाँ लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन भाइयों को खरीदना, खरीद कर इस हैंडलूम को प्रोत्साहित भी करें, तभी गांव देहात में लोग उसका प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पर बेचेंगे। कहाँ कहाँ से यहाँ पर? डिफरेंट एरिया के, कश्मीर के भी आए हैं, लुधियाना के आए हैं और देश के और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो सब लेके यहाँ पर आए हैं। गोपालगंज सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्र में गेट के ऊपर से पार कर प्रवेश करते हुए एक छात्रा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो शहर के वीएम इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र की बताई जा रही है, जहां निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र के गेट को बंद कर दिया गया था और लेट से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इसी बीच निर्धारित समय के बाद कुछ छात्राएं केंद्र पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में ही गेट पर चढ़कर गेट पार की और परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गई। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा जिले के 27 केंद्रों पर हो रही है। परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में फिजिक्स का पेपर चल रहा है। कई परीक्षार्थी समय से केंद्र पर पहुंच चुके थे, वहीं कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो लेट से पहुंच रहे थे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री ली जा रही है, लेकिन लेट से पहुंचने वाले केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं परीक्षार्थी भी एक साल गंवाना नहीं चाहती हैं। गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और केंद्र अधीक्षक से प्रवेश के लिए विनती करते हुए कई जगह से तस्वीर सामने आ रही है। इसी बीच गोपालगंज से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि निर्धारित समय से लेट पहुंचने पर परीक्षार्थियों की एंट्री नहीं मिली है। केंद्राधीक्षक ने जब प्रवेश नहीं दिया तो पुलिस की मौजूदगी में ही छात्राएं गेट पर चढ़कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने लगी। छात्राओं के साथ आए अभिभावक भी गेट पर परीक्षार्थियों को चढ़ाने के लिए मदद करने लगे, जिसके बाद मौजूद पुलिस कर्मियों ने रोक लगाई, जिसके बाद नाराज छात्राओं और उनके अभिभावकों ने केंद्र के बाहर जमकर बवाल किया। फिर पुलिस को नियंत्रण में करने के लिए लाठी भाजनी पड़ी। कुछ छात्राएं शहर में जाम होने की वजह से लेट पहुंचने की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में पूरी वारदात को कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पूरे घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंचकर पूरे मामले की जांच करने में जुट गए। शुक्रवार को दिन दहाड़े नगर थाना क्षेत्र के बंजारी में दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर सदाम फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में लूट कांड की घटना को अंजाम दिया था और कार्यालय के प्रबंधक बबलू कुमार के पैर में विरोध करने पर गोली मार दी गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने SIT का गठन किया और SIT की टीम ने 24 घंटे के अंदर इस कांड में शामिल दो अपराधियों को सारण जिले के दरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और इसमें शामिल 3 अन्य अपराधियों को भी पुलिस गिरफ्तार करने के
लिए छापेमारी कर रही है। इस कांड में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार दोनों कुख्यात अपराधी वैशाली जिले के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन अपराधियों के द्वारा लूटी गई दो मोबाइल और कुछ नकदी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा उनके दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए SIT की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 1 बंदूक का खोखा पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी शिवम कुमार वैशाली जिले के बिंदुपुर थाना स्थित पानपुर दिलावरपुर का रहने वाला है तो दूसरा सनी वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव का रहने वासी है। गोपालगंज पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में हनील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों के फर्नीचर के अलावा सीसम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जगह जगह शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें कई जगहों पर शराब पकड़ी गई और तस्कर भी गिरफ्तार हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई लोगों को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के RR मोड़ के पास स्थित फ्लिपकार्ट की दुकान पर 15 जनवरी को 4 अपराधियों ने पैसा और मोबाइल लूट लिया था। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो एक अपराधी को लूटी हुई मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया और लूट की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह आरोपी माजागढ़ थाना क्षेत्र के मुंगराहा का रहने वाला संतोष कुमार गिरी है, जिसे पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके दूसरे साथियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में कोर्ट के नए भवन के ऊपर तीसरी मंजिल पर अचानक हार्ट अटैक होने से एक अधिवक्ता की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मृत अधिवक्ता का नाम दिलीप त्रिपाठी बताया जा रहा है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगरा गांव के निवासी थी और गोपालगंज शहर के ही बंजारी के पास अपने मकान में रह रहे थे। शनिवार को रोज की तरह अपने घर से कोर्ट में काम करने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान किसी केस की पैरवी लेकर व्यवहार न्यायालय के नए भवन में जा रहे थे। जैसे ही तीसरी मंजिल पर पहुंचे कि उन्हें सीने में दर्द शुरू हो गया और वहीं गिर पड़े। मौके पर उपस्थित अधिवक्तागण और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृत अधिवक्ता के पिता, जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास है, वह अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और मोटरसाइकिल चलाकर आते जाते हैं। इस घटना के बाद से ओबीसी का कुल स्थिति में अस्तब्ध है। बताया जा रहा है कि अमृत अधिवक्ता न्याय मित्र के रूप में भी अपनी सेवा दिया करते थे। इस वजह से न्याय मित्र के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता मुकेश पांडे ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने जेनेसिस पब्लिक स्कूल लाइन बाजार तथा मदर इंडिया पब्लिक स्कूल लाइन बाजार हथुआ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उचित सख्त निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए परीक्षार्थियों और कर्मियों के साथ संपर्क स्थापित किया, साथ ही निष्पक्ष परीक्षा कराने का संदेश दिया। कटिया नगर में वार्ड 4 में चोरी करने के उपरांत
भागने के दौरान एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में कटिया नगर वार्ड नंबर 4 निवासी अमोद कुमार मदेसिया ने आरोप लगाया है कि फरवरी की रात 11 बजे वह देवरिया से आया हुआ था। उसके बाद कुछ देर बाद घर में खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। जब आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो 3 लोग भागते हुए दिखाई दिए, जिसमें कटिया नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी गुड्डू देवान को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस अमोद कुमार मदेसिया के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गुड्डू देवान से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। थावेया स्थानीय प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के रामचंद्रपुर गांव में शनिवार को बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर 14 उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। कनीय अभियंता विनाश कुमार ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनका 2000 रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया है, वे लोग अपना बिजली बिल जमा कर दें, अन्यथा उनका भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।